अफवाहों का हो गया दौर खत्म, अब आ रहा है व्हाट्सएप पे कुछ नया। दोस्तों यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो जान लीजिए अब आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही है जिसकी तरह से फेक न्यूज मिलती है लोगों को और फेक न्यूज से लोगों को होती है बहुत ज़्यादा परेशानी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब व्हाट्सएप आपके मैसेज को भी करेगा ट्रैक, क्योंकि दोस्तों कुछ होती है फेक न्यूज होती है जिसके माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप सतर्क रहिए, आप जो भी मैसेज किसी को भेज रहे हैं पहले उसकी वास्तविकता जानिए कि यह मैसेज सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज आपको यही देखता है कि 10-15 ग्रुप में आपको देखने को मिल जाए, 10-15 दोस्त आपको भेज दिए, कोई भी मैसेज भेज दिए तो आप उसको सही समझने लगते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आ रहा है पहले उसकी वास्तविकता जानिए कि यह सही है कि नहीं है, इसे हमें किसी को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि एक पेज पूरा दिया था कि अब अफवाहों से आप कैसे बच सकते हैं, किसी को मैसेज भेजने से पहले कितना आपको सतर्क रहना है। यदि आप किसी भी ग्रुप के एडमिन है तो आपको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं जो एक दूसरे को रिप्लाई होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप पे एक ऐसा फीचर था कि यदि मान लीजिए मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, यदि मान लीजिए मैं लिखा हूँ XYZ लिखा हूँ तो व्हाट्सएप के सर्वर पर जब वो जाता था 0101 के फार्म में वो कोडेड हो जाता था, लेकिन जब वो हमें मिलता था तो वो डिकोड होकर मिलता था XYZ दिखता था। इस तरह से व्हाट्सएप को भी नहीं पता था कि जो भी मैसेज किसी ने भेजा हो वो उस मैसेज अंदर क्या है। लेकिन अब जो अफवाहों का ये दौर चल रहा है, अब व्हाट्सएप इसके लिए सतर्क हो रहा है, लोग इससे मर रहे हैं, तो अब यह हो गया है कि अब जो आप भी मैसेज भेजेंगे उसको व्हाट्सएप करेगा ट्रैक और उसकी जाँच करेगा। यदि वो सही पाया जाएगा तो अच्छी बात है, यदि सही नहीं पाया जाएगा तो आप को जुर्माना हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, क्योंकि अब ये व्हाट्सएप अब हर देश की सरकारों से बात करना होगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले ये न्यूज़, क्योंकि मान लीजिए हमारे देश की बात हुई थी, यदि हमारे देश में व्हाट्सएप चल रहा है तो ये हो गया एक विदेशी कंपनी है जिसे हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते हैं या फिर उसकी डाटा सर्वर पर हम नहीं जा सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब व्हाट्सएप हर देश के साथ साझा करेगा डाटा को। यदि मान लीजिए किसी को भी डाटा की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं यह मैसेज चल रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, कौन इसको पहली बार भेजा है, तो ये सब कुछ चीज़ें वो स्टोर करके अपने डाटा सर्वर पर रखेगा और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी सरकार को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे वो प्रोवाइड कर देगा कि सबसे पहले यह किसने भेजा था और किसने इसको बनाया हुआ था, सबसे पहले कौन किसने किस ग्रुप में या किस फ्रेंड को भेजा हुआ था, इस तरह से वो बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक ही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप पे आने वाले किसी भी न्यूज के बारे में आप अपनी राय अपने आप न बनाइए। जब भी आप अपनी राय कोई बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे जान लीजिए कि यह न्यूज़ सही है या नहीं सही है। यदि आपको लगता है कि यह न्यूज़ गलत है तो उसे बिल्कुल भी फॉरवर्ड किसी को ना करिए, क्योंकि अब पुलिस भी आप पे रखेगी नज़र। यहाँ देख सकते हैं मेरे मोबाइल में मैसेज दिखा रहा है, एक टिक होता है, दो टिक होता है, इसके द्वारा तीन टिक होता है, तीन टिक के साथ आपको मिलेगा एक रेड कलर का टिक भी मिलेगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि यह मैसेज पुलिस ने भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर पुलिस भी रखेगी नज़र। इसमें आपके डाटा लीक होने का कोई भी संभावना नहीं रहेगा, या तभी डाटा इनको प्रोवाइड किया जाएगा जब उन्हें लगेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है और इसको ज़्यादातर फॉरवर्ड किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही है, तो व्हाट्सएप अपने सर्वर से उस चीज़ को निकालेगा और उस गवर्नमेंट को दे देगा जो भी गवर्नमेंट उससे मांगेगी, और उससे पता चल जाएगा सबसे पहले इसको किसने भेजा था। इस तरह से लोगों की जान माल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अभी दोस्तों बच्चा चोरी का एक न्यूज आ रहा था जिसमें व्हाट्सएप पर ये दिखाया गया था कि एक औरत इस बच्चे को लेकर जा रही है और जनता उसे पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरह मारती है, इतना मारती है कि तब तक वो अधमरी नहीं हो जाती है। लेकिन जब वास्तविकता पता चलती है तो उसमें यह होता है कि वो जो बच्चा होता है वो उसी औरत का होता है, लेकिन बस लोग गलत भयमी में या फिर फेक न्यूज या गलत न्यूज पढ़कर उस पर शक करते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारा जो व्हाट्सएप था वो बहुत ही इंक्रिप्टेड था, मान लीजिए हमने आपको जो मैसेज भेजा सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, किसी और को नहीं पढ़, क्योंकि वो सर्वर व्हाट्सएप के सर्वर वो स्टोर नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, आपके मैसेज को व्हाट्सएप के सर्वर पर अब स्टोर किया जाएगा, वहाँ तक कि आपकी ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल को भी वो रिकॉर्ड करके रखेगा। तो क्यों रिकॉर्ड करके रखेगा, क्या उसको ज़रूरत है, तो अब यह कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। अभी तक तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आएगी कि क्यों हमारे ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल को भी रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जो हमारी मैसेज होती है उसे वो बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखेगा, चाहे हमारी वो ऑडियो फाइल हो, ऑडियो इमेज हो, उसके बाद मान लीजिए हमारा कोई वीडियो हो हम या फिर हम किसी को टेक्स्ट भेजें, इस सब चीज़ों को वो रिकॉर्ड करके रखेगा। लेकिन अभी ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए अभी कोई सूचना नहीं आएगी, वो उसे रिकॉर्ड करके रखेगा या
या फिर नहीं रखेगा। मैं आपसे एक ही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर आप फेसबुक ही चलाते हैं, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आने वाले किसी भी खबर को बिना उसकी आवश्यकता जानने हुए उसे कभी भी सर्कुलेट ना करें। इससे आप बचिए, खुद समझदार बनिए और लोगों को समझदार बनाए, क्योंकि दोस्तों ये जो गलत गलत न्यूज़ें आती रहती हैं इससे किसी न किसी को तो नुकसान होना ही होना होता है और होता भी है। तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि कभी भी व्हाट्सएप पे आने वाले किसी भी तरह के मैसेज को आप फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए। आई होप हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।